आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सिचुएशंस की जहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता ही है, बट एग्ज़ाम में उसको ओमिट करके कॉमन एरर पूछा जाता है। इसलिए इसका हेडिंग लिखा हुआ है वेयर अ प्रेपोजिशन शुड नॉट बी ओमिटेड, जहाँ पे प्रेपोजिशन को ओमिट नहीं करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में सेक्शन 1 में मैंने पढ़ाया था कि जहाँ प्रेपोजिशन को आपको ओमिट कर देना है, लगाना ही नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जहाँ पे प्रेपोजिशन का आपको इस्तेमाल करना है, और हम लोग इसको वन बाय वन करके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे क्या होगा। पहला है राइट अ मैन। राइट अ मैन नहीं होता है, राइट टू अ मैन होता है, यानी आपको याद रखना पड़ेगा राइट टू समबडी। ही ऑफन राइट्स टू मी बोलेंगे, शी राइट्स टू मी बोलेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि शी राइट्स टू मी अ लेटर, ये गलत है। शी राइट्स टू मी अ लेटर, ये गलत है। जब अ लेटर लग जाएगा तो आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी राइट्स मी अ लेटर ऐसे बोलेंगे, बट शी राइट्स टू मी बोल सकते हैं, यानी लेटर नहीं है तो शी राइट्स टू मी सही है, और शी राइट्स मी अ लेटर याद रखिएगा, शी राइट्स अ लेटर टू मी हो सकता है। तो लेटर अगर पहले आ जाएगा तो शी राइट्स अ लेटर टू मी हो सकता है, शी राइट्स टू मी हो सकता है, पर शी राइट्स मी अ लेटर होता है। सेकेंड, डिस्पोज द प्रॉपर्टी। पहले आपको समझना पड़ेगा डिस्पोज का मतलब क्या है। डिस्पोज का मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप चीज़ों को बेच देते हैं, हटा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोज। और इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। द डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेचकर हटा देना। तो ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसने अपने प्रॉपर्टी को बेच करके हटा दिया, ऐसा समझिए। तो डिस्पोज के साथ आपको ऑफ लगाना है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में इसके साथ डबल ओ डबल एफ लगा देगा, ऑफ ए वाला ऑफ, ये गलत है। डिस्पोज के साथ ओ एफ वाला ऑफ ही लगाना है, ओ डबल एफ वाला नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर थर्ड की ओर। विश अ थिंग, विश अ थिंग नहीं होता है, विश फॉर समथिंग होता है, याद रखिएगा। ही विश फॉर अ पेन, किसी पेन के लिए अगर विश कर रहा है तो विश फॉर समथिंग हो गया, तो विश फॉर समथिंग होगा। लेकिन अगर ए किसी आदमी को विश करना है तो ही विश्ड मी, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही विश्ड मी गुड लक, यानी विश्ड टू मी ऐसा नहीं बोलना है, या विश्ड फॉर मी ऐसा नहीं बोलना है। किसी चीज़ के लिए अगर आप विश कर रहे हो तभी आपको इसके साथ फॉर लगाना है, तो विश फॉर समथिंग, किसी चीज़ की चाह रखना, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है अ पेन टू राइट। एक रूल होता है जहाँ पे इन्फिनेटिव है लास्ट में आता है, और जब इन्फिनेटिव आता है तो उसके साथ आपको प्रीपोजिशन लगाना होता है लास्ट में। जैसे दिस इज़ अ हाउस टू लीव, अगर लिख करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज़ अ हाउस टू लिव इन, दिस इज़ अ पेन टू राइट विथ, दिस इज़ अ पेन टू राइट विथ ऐसा बोलेंगे। दिस इज़ अ हाउस टू लिव इन, तो अ पेन टू राइट विथ यहाँ पे होगा। अ पेन टू राइट अगर बोल करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एडमिट एन एक्सक्यूज। एडमिट का मतलब होता है कबूल कर लेना, कन्फेस कर लेना। और वेन यू एडमिट समथिंग, कबूल करते हो, तो यू विल हैव टू से एडमिट ऑफ एन एक्सक्यूज, यानी अपनी गलती को मान लेना, इसको बोलते हैं एडमिट ऑफ, याद रखिएगा। ही एडमिटेड ऑफ हिज क्राइम, मिस्टेक, वट एवर ही शेज। कम टू द नेक्स्ट वन, प्रिवेल। द वर्ड प्रिवेल ऑन और अपॉन, इधर कैन बी सेड। इफ समबडी यूजेज ऑन इट इज़ ऑल्सो राइट। तो प्रिवेल ऑन और अपॉन, इधर कैन बी सेड। ऑन भी बोलेंगे तभी सही होगा, अपॉन भी बोलेंगे तभी सही होगा, बट अपॉन ज़्यादा प्रचलन में है इसलिए प्रिफरेबल अपॉन होता है। तो प्रिवेल अपॉन अ मैन का मतलब होता है टू आस्क और persuade somebody to do something। किसी को आप request करते हो, बोलते हो, कहते हो, या फिर उसको मनाते हो कुछ करने के लिए, तो prevail upon या on का इस्तेमाल होता है। तो आप इसका example भी लिख सकते हो या फिर इसको use कर सकते हो कि he prevailed upon me to dance before the judge। जज के सामने नाचने के लिए उसने मुझे क्या किया, कहा या फिर मुझे persuade किया, मनाया।
तो मनाना कह सकते हो, कहना कह सकते हो। तो आज somebody टू डू समथिंग याद रखिएगा, प्रिवेल अपॉन, तो प्रिवेल अपॉन अ मैन होता है, प्रिवेल ऑन अ मैन भी कहा जा सकता है, बट प्रिवेल अ मैन कहना गलत है, यानी ये वाला जो पार्ट गलत है ये वाला पार्ट सही है। आस्क समथिंग, आस्क फॉर एक फ्रेज की तरह काम करता है, मतलब डिमांड करना, ही आस्क्ड मी फॉर समथिंग, ऐसा याद रख सकते हैं। तो आस्क समबडी टू डू समथिंग भी होता है, किसी चीज़ का अगर डिमांड करते हैं तो फॉर, तो आस्क फॉर समथिंग मतलब डिमांड करना। ही आस्क फॉर अ पेन, किसी चीज़ की मांग की, एक पेन की मांग की, तो आस्क फॉर मीन्स डिमांड करना के सेंस में होता है। आस्क के बाद अगर समबडी आता है तो आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ही आस्क्ड मी, मी यहाँ पे समबडी है, तो ही आस्क्ड मी टू गो, जाने के लिए कहा। तो आस्क अगर समबडी के साथ आता है जहाँ पे आप कहा कर रहे हो तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगाओगे, लेकिन किसी चीज़ की चाह कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो डिमांड करने के सेंस में आस्क के साथ फोर लगता है। पार्टेक, ये ऐसा वर्ड है जिसके साथ इसका दो अलग अलग मीनिंग होता है और दोनों ही केसेस में अलग अलग प्रीपोजिशंस लगते हैं। पार्टेक के साथ इन भी लगता है जब आप किसी चीज़ का में पार्टिसिपेट करते हो तब, ठीक है, जैसे आई पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन, तो पार्टेक इन हो सकता है। अगर कोई कॉम्पिटिशन में अगर आप भाग ले रहे हो तो ऐसे केस में पार्टेक इन का मतलब समझिएगा भाग लेना। और पार्टेक के साथ ऑफ भी लगता है, कब, जब आप किसी चीज़ में शेयर लेते हो, यानी उसका पोर्शन लेते हो, जैसे अभी मील खाने के लिए मील रखा हुआ है, उसका एक पार्ट आपने खाया, तो यू पार्टेक ऑफ मील, मील का ये आपने उपभोग किया, यूज़ किया। तो टू हैव अ शेयर या पोर्शन के लिए पार्टेक ऑफ, तो जब आप किसी लंच में जाते हो, किसी डिनर पे जाते हो, तो यू पार्टेक ऑफ लंच और डिनर। इन अगर हम लोग बात करें, इन की बात करें, तो इन जो होगा कोई फंक्शन प्रोग्राम वगैरह में आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो उसके लिए पार्टेक इन का इस्तेमाल होता है। तो फिर से समझते हैं, पार्टेक इन मीन्स पार्टिसिपेट होता है, और पार्टेक ऑफ का मतलब किसी चीज़ का टू हैव शेयर और पोर्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे पार्टेक ऑफ का इस्तेमाल होगा, याद रखना है। तो पार्टेक ऑफ समथिंग, कोई किसी चीज़ का अगर कोई हिस्सा आप लेते हैं, पार्ट लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जब 2+V1 लगा हुआ है तो ए इन्फिनेटिव के बाद आपको एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना होता है। जब इसके पहले नाउन दिया हुआ है तो इसके लिए वी लाई इन बेड बोलते हैं, वी लाई इन बेड, तो बेड, दिस इज़ अ बेड टू लाई इन, ऐसा बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो ईजी है। मीट एन एक्सीडेंट हम लोग नहीं बोलते, मीट विद एन एक्सीडेंट होता है, याद रखिएगा, ये फ्रेज है। सजेस्ट अ मैन, सजेस्ट और प्रपोज दो ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग अक्सर गलती करते रहते हैं। जैसे ही प्रपोज्ड मी, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, शी प्रपोज्ड मी, ऐसा बोलते हैं। तो आप कभी भी सजेस्ट या प्रपोज का यूज इस्तेमाल करते हो तो हमेशा उसके साथ आप टू लगाओ जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। तो सजेस्ट टू समबडी हो सकता है, प्रपोज टू समबडी हो सकता है, सजेस्ट समबडी या प्रपोज समबडी ऐसा नहीं बोलते हैं, इसलिए आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। डिस्पेंस द सर्विसेज, डिस्पेंस का मतलब होता है मुहैया कराना, किसी को देना, यानी उसके लिए उपलब्ध करवाना, उस किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर कोई भी सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोवाइड करना। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो किस चीज़ का इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को, ताकि वो नंबर ऑफ पीपल के तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे डिस्पेंस विद होता है, याद रखिएगा, डिस्पेंस विद द सर्विसेज, यानी सर्विसेज का जो आप लोगों तक पहुँचाते हो, प्रोवाइड करवाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए, तो उसके लिए डिस्पेंस वर्ड का यूज होता है, और इसके साथ प्रीपोजिशन लगना है विद, बिना विद लगा करके कॉमन एरर पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव लिसन अ मैन, नहीं होता है, लिसन टू समबडी, लिसन टू म्यूजिक, ऐसा याद रखिएगा, लिसन टू मी आप बोलते हो, लिसन मी नहीं बोल सकते आप, लिसन टू मी, लिसन टू समबडी, ऐसा याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव अप्लाई द प्रिंसिपल, वी अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग, याद रखिएगा, ही अप्लाई, वी अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग। जैसे आई अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, किसके पास, प्रिंसिपल के पास, किस लिए, फॉर लीव, छुट्टी के लिए। तो अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग, ऐसे याद रखना है। और अप्लाई के जगह पे अगर अपील भी रहेगा तो इसके साथ भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, तो आई अपील टू समबडी फॉर समथिंग। तो अपील और अप्लाई दोनों ही केसेस में आपको टू समबडी लगाना है, अगर जिस चीज़ के लिए अगर अप्लाई और अपील करते हो तो फॉर समथिंग होता है। नेक्स्ट है,
वाट यूज़ इट इज़, ये गलत है कहना। ऑफ वाट यूज़, किस यूज़ का है, तो ऑफ वाट यूज़ इज़ इट कहेंगे, ना कि वाट यूज़ इज़ इट कहेंगे। वी ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड, बिलीव इन गॉड, तो हैव फेथ और बिलीव इन गॉड होता है, ऑन गॉड नहीं होता है। अक्सर एग्जाम में बिलीव ऑन गॉड लिखा होता है, बिलीव ऑन मी हम लोग बोल देते हैं, ये गलत है। कंपनसेट करना यानी उसके लिए क्षतिपूर्ति देना, और वी ऑलवेज कंपनसेट फॉर अ लॉस, कोई भी लॉस के लिए आप क्षतिपूर्ति करते हो उसको बोलते हैं, उसके साथ आपको फोर लगाना है। ही रिप्लाइड, ही डिडंट रिप्लाई माई क्वेश्चन, रिप्लाई टू अ लेटर, रिप्लाई टू एन ईमेल, किसी चीज़ का अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो या देते हो तो उसके लिए आपको टू लगाना है, रिप्लाई के साथ टू लगाना है, ऐसे याद रखिए। तो रिप्लाइड के एक चीज़ और है, रिप्लाई टू मी आप नहीं बोलेंगे, रिप्लाई टू मी प्लीज़, रिप्लाई मी, लेकिन अगर लेटर का ईमेल का रिप्लाई करना है तो रिप्लाई टू अ लेटर ईमेल। केयर अ मैन, केयर फॉर अ मैन, किसी चीज़ व्यक्ति का अगर केयर करते हो तो केयर फॉर समबडी, केयर फॉर समबडी, आई केयर फॉर यू, मैं आपका ख्याल रखता हूँ। अगर टेक लगा देंगे इसके पहले तो टेक केयर ऑफ समबडी होता है, तो टेक केयर ऑफ समबडी याद रखिएगा, केयर फॉर समबडी। यहाँ पे दोनों में अंतर ये है कि केयर यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे केयर है नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टेक मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया इसका, तो टेक केयर ऑफ समबडी होता है और टेक, सॉरी, केयर फॉर समबडी होता है। आई टेक केयर फॉर, अगर आई टेक केयर फॉर माई फादर, अगर ऐसा बोल देंगे तो गलत होगा, आई टेक केयर ऑफ माई फादर ऐसा बोलेंगे। तो आज इस वीडियो में जो आपने पढ़ा, राइट टू अ मैन होता है, राइट अ मैन नहीं होता है, लेकिन अगर लेटर लिखा हुआ है तो राइट अ मैन, राइट मी अ लेटर ऐसे याद रखिएगा। डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है, ओ एफ वाला, ओ डबल एफ नहीं लगेगा, याद रखना है। नेक्स्ट हो गया विश फॉर समथिंग, किस चीज़ का अगर विश करते हो तो उसके लिए फॉर लगाना है। पेन या हाउस टू लिव इन, पेन टू राइट विद, ऐसा होता है। एडमिट के साथ ऑफ लगाते हैं जब कबूल करना होता है तो। प्रिवेल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहते हो या फिर उसको मनाते हो कुछ करने के लिए, तो प्रिवेल ऑन या अपॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्क समथिंग, आस्क फॉर समथिंग होता है डिमांड करने के सेंस में, अगर समबडी होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। पार्टेक का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, तो इन लगाएंगे। और टू हैव शेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का भाग को आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको पार्टेक ऑफ लगाना है। बेड टू लीव, लाई इन होता है, सोने के लिए अगर बेड का इस्तेमाल तो इन का इस्तेमाल करेंगे। मीट विथ एन एक्सीडेंट होता है। सजेस्ट और प्रपोज के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखना है जब ऑब्जेक्ट रहेगा। डिस्पेंस सर्विस लोगों तक पहुंचाना विद होता है, लिसन के साथ टू लगता है। और अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग याद रखना है। और वाट यूज़ इज़ इट नहीं होगा, ऑफ वाट यूज़ इज़ इट होगा। बिलीव इन या हैव फेथ इन गॉड होता है, या ऑन गॉड नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कंपनसेट, अगर करते हैं आप किस चीज़ के लिए तो कोई लॉस के लिए अगर क्षतिपूर्ति करते तो फोर लगाना है इसके लिए। और रिप्लाई अ लेटर नहीं होता है, रिप्लाई टू अ लेटर और ईमेल होता है। केयर फॉर समबडी होता है, याद रखना है, लेकिन टेक केयर ऑफ समबडी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और एक इसका नोट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।